इंसान और डॉल्फिन विश्व की दो ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने आनंद के लिए सेक्स का सहारा लेती हैं। यदि पूरी दुनिया भर में हो रही सेक्सुअल गतिविधियों पर नजर डाली जाए तो यह एक दिन में करीब 100 मिलियन बैठती है। पुरुष औसतन प्रत्येक 7 सेकंड में एक बार सेक्स के बारे में सोचते हैं। होमोसेक्सुअलिटी इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों में भी पाई जाती है। जिराफ, चिंपांजी, टर्की आदि में तो होमोसेक्सुअलिटी एक आम बात है। यौन क्रिया के दौरान महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को कहीं ज्यादा पसीना आता है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना में बदन से निकलने वाले पानी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। मानव शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा त्वचा है। एक औसत वयस्क के शरीर में इसका वजन 6 पाउंड होता है। आज धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाला कंडोम सन 1500 में ही अस्तित्व में आ गया था। कंडोम का सबसे दिलचस्प इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने में आया था। उस वक्त सिपाही अपनी राइफलों की नली को इससे ढका करते थे क्योंकि भीतर खारा पानी जाने से वह खराब हो जाती थी। यौन क्रिया काफी खर्चीली भी है। इस तरह की एक औसत महिला पूरी तरह से उत्तेजित होकर सेक्स क्रिया करने के दौरान 70 से 120 कैलोरी प्रति घंटे की दर से खर्च करती है और एक पुरुष 77 से 155 कैलोरी। शायद आपके लिए यह जानना दिलचस्प हो कि चुंबन से दंतक्षय की दर को कम किया जा सकता है क्योंकि अतिरिक्त लार से मुंह साफ रखने में मदद मिलती है। 1 मिनट के लिए लिया गया चुंबन शरीर की 26 कैलोरी जला सकता है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में चुंबन के लिए खर्च किए जाने वाले समय को जोड़ा जाए तो यह 336 घंटे या 20,160 मिनटों के बराबर बैठता है, यानी कि पूरे जीवन में कुल 14 दिन। सिर्फ नपुंसकता 26 अमेरिकी राज्यों में तलाक के लिए बड़ा आधार है। महिलाओं के लिए संभोग एक कारगर दर्द निवारक है क्योंकि संभोग के दौरान शरीर में एंडोमॉर्फिन का स्राव होता है जो कि एक शक्तिशाली दर्द निवारक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पश्चिमी समाज में पैर यौन आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र है। सेक्स में सक्रिय व्यक्ति की दाढ़ी